गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज हैं 22 नवंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। स्कूल पढ़ाई पूरी करते ही मिली 121 बालकों को नौकरी, खिले चेहरे। रोजगार मेले में कई जिलों के युवाओं ने लिया भाग। नेक्स्ट चलते हैं, क्या अपडेट है। देखिए, पढ़ाई के साथ रोजगार जरूरी, पहली बार घर से बाहर आए। आधा सत्र बीता, ना ड्रेस मिली ना दूध, साइकिल का सपना भी अभी तक अधूरा। शिक्षा विभाग की 3 योजनाओं का विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा है फायदा। फायरमैन भर्ती के लिए युवा दिखाएंगे दमखम। सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती 2021 परीक्षा। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं प्रायोगिक परीक्षा 28 से। सहायक आचार्य ईएएफएम साक्षात्कार 1 दिसंबर से। राजस्थान लोक सेवा आयोग। लेक्चरर क्रिया शरीर तथा सांकल्य तंत्र पात्रता जांच के बाद जारी होगी सूची। आरपीएससी। सहायक आचार्य भूगोल के साक्षात्कार परिणाम जारी। सहायक आचार्य एबीएसटी के साक्षात्कार शुरू। न्यून परिणाम रहने पर 21 संस्था प्रधानों को दिए नोटिस। बोर्ड परीक्षा में औसत से कम परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों से 15 दिन में मांगा जवाब, हो सकती है 17 सीसीए की कार्रवाई। आरएस भर्ती, राज्य सरकार को 1000 अफसरों का इंतजार। लगातार चौथी आरएस भर्ती में हो रहा है विलंब। 104 स्कूल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित। अनोखा फरमान, शिक्षक सम्मेलन में नहीं, आत्मरक्षा शिविर में शामिल होगी महिला शिक्षक। शैक्षिक नवाचार से परहेज, आत्मरक्षा से लगाओ। कुमेर सीबीओ ने निकाला आदेश, शिक्षक संगठन में रोष। 10वीं की परीक्षा को रखने अथवा हटाने पर होगा विचार। सीबीएसई 2023 में लागू हो सकती है नई शिक्षा नीति। 174 पदों पर 1200 से अधिक अभ्यर्थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भर्ती। नीट यूजी 2022 सीट आवंटन की प्रक्रिया कल से। मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर, ये विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर की है। अध्यापक लेवल प्रथम। 2006 महात्मा गांधी स्कूलों से प्रधानाचार्यों के पद प्रत्याहरित। 444 स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूलों में रूपांतरित किया गया था। स्कूलों की सभी तरह की जानकारी ऑनलाइन देने पर बल। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोककर के आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 30 से। जेई मेन की तिथियों के इंतजार में स्टूडेंट्स। कई इंजीनियरिंग संस्थाओं के आवेदन शुरू। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की मांग। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संघ सम्मेलन नहीं, धरना प्रदर्शन करेगा। अपील अधिकरण के ने तलब की शिक्षा निदेशक से मूल फाइल। निजी स्कूल कर्मचारी की सेवा मुक्ति में शिक्षा विभाग के कर्मचारी के शामिल होने का मामला। फिर उठी अंग्रेजी साहित्य विषय प्रारंभ करने की मांग। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खांडू कॉलोनी का मामला। स्टेट ओपन स्कूल नवीन सेवा नियमों में शामिल करने की मांग। वैज्ञानिक सहायक सहित अन्य पदों के लिए निकली भर्ती। 7 दिन की है इसमें समयावधि। सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर वैज्ञानिक अधिकारी सहित अन्य पदों पर नौकरी के अवसर। जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। आरटी के तहत भौतिक स्थापन की तारीख बढ़ाई। प्राथमिक स्तर के महात्मा गांधी स्कूलों के प्राचार्यों का चयन। असिस्टेंट डायरेक्टर पात्रता जांच के लिए विचारित सूची जारी। क्या गेस्ट फैकल्टी अब राज्यों के स्कूलों में भी, प्रोफेसर डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने कहा।
एमजी स्कूलों में संविदा नियमों से लगेंगे 10,000 शिक्षक। निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी सूचना। शिक्षा विभाग ने संविदा पर स्कूलों की निकाली पहली भर्ती। अंग्रेजी माध्यम स्कूल भर्ती से पहले कायदों में उलझा विभाग। 10,000 पदों से निजीकरण की शुरुआत। शिक्षकों के गुस्से पर मरहम लगाने की तैयारी। सरकार ने मांगी शिक्षकों के यूजी पीजी समान विषय वाइस प्रिंसिपल के मामले में सुझाव। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करें।